चीन के जियाजिंग में एक ऐसा मामला सामने आया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि 15 साल की लड़की को लेकर वो हॉस्पिटल जा रहा था, लेकिन लड़की को अचानक बाथरूम जाने की वजह से उसने एक जंगल के बगल में गाड़ी रोक दी। कुछ देर तक जब लड़की लौट कर नहीं आई और उसने जंगल में जाकर देखा तो हैरान रह गया। लड़की और ड्राइवर के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। अंग्रेजी वेबसाइट वर्ल्ड ऑफ बज के मुताबिक जियाजिंग शहर में 15 साल की लड़की ने अचानक एक टैक्सी ड्राइवर को रोककर जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने को कहा। जल्दबाजी में टैक्सी ड्राइवर ने उससे कुछ भी नहीं पूछा और पास वाले हॉस्पिटल के लिए ही दोनों रवाना हो गए। कुछ दूर जाने के बाद लड़की ने ड्राइवर से कहा, मुझे बाथरूम जाना है, इसलिए जल्द कहीं गाड़ी को रोको। कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने एक जंगल के पास सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर दी। लड़की जल्दबाजी में उतरी और जंगल की ओर दौड़ पड़ी। करीब 10 मिनट तक जब लड़की लौट कर नहीं आई तो ड्राइवर घबरा गया। उसे शक हुआ लड़की के साथ कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया। ड्राइवर तुरंत उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसे एक नवजात की आवाज सुनाई दी। जब उसने पास जाकर देखा तो शॉक रह गया। उसका कहना था कि लड़की की बॉडी और हाथ खून से सने हुए थे और उसके बगल में एक बच्चा रो रहा था। दरअसल बाद में पता चला कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी और उसने जंगल के बीच बच्चे को जन्म दिया। ड्राइवर ने मदद के लिए तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने एम्बुलेंस को अलर्ट कर दिया। कुछ ही देर बाद लड़की और उसके बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन लड़की ने बच्चे के पिता के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। इतना ही नहीं, वो अपने और अपने परिवार वालों के बारे में भी कुछ भी किसी को बताने के लिए तैयार नहीं थी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और इससे जुड़ी जानकारी तलाश करने में जुटी है।